में इस पे लगा दीजिए। उसके बाद प्रॉब में डिपेंड करता है कि आप प्रॉब कौन सा है, यहाँ पे लिखा 10x और 1x। यहाँ प्रॉब सेटिंग है, इसके सामने का पिन है F4। इसमें प्रेस करेंगे तो चेंज हो गए, ये 100x हो गया। 100x का तो हमारा प्रॉब ही नहीं है, 1000 का भी नहीं है, नहीं 1 का है या 10x। हम 10x पे यूज करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ है वोल्टेज डिवीजन स्क्रॉल। वोल्टेज डिवीजन में फाइंड या स्क्रॉल, दोनों में से कुछ भी नहीं रखना है आपको, ठीक है, डिफॉल्ट पे ही छोड़ देना है। उसके बाद ऑप्शन आता है कपलिंग। कपलिंग में क्या आप एसी सप्लाई चेक करना चाहते हो या डीसी चेक करना चाहते हो, तो हम डीसी ही चेक करते हैं। बिल्कुल डीसी एसी चेक करना होगा तो इसको दबा देंगे तो ये एसी हो जाएगा, जी ये ग्राउंड हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं। बिल्कुल, यानी इसको सेट कर देंगे डीसी पे। ये सेटिंग हो गई पहला नंबर एक, जी कोई दिक्कत। अब यहाँ से चैनल को ऑन करना पड़ेगा, यानी जिस चैनल को ऑन करना है उस चैनल को ऐसे दबा, जैसे मान लो कि दो नंबर चैनल ऑन करना है तो इसको दबा दिए, चैनल ऑन हो गया। तो हमें दो नंबर चैनल पे तो हमने प्रॉब लगाया ही नहीं, नहीं, तो इसको ऑफ करने के लिए इसको दबाएंगे और ऑफ बटन को दबाएंगे, ये चैनल ऑफ हो जाएगा, ठीक। एक नंबर चैनल को ऑन करना है उसको दबा देंगे और चैनल ऑन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, प्रॉब कपलिंग है, ठीक है, 3.3 वोल्ट, यानी इसको लगाने के बाद ये 3.3 वोल्ट यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो यानी ये अगर मान लीजिए ये 3.3 का रेंज है, यहाँ पर ये 3.3 जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ से फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये 3.3 का रेंज है। तो ये रेंज अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, यानी एक ऑक्टेट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट में 1 ऑक्टेट इसके लाइन में, यानी ये 1 वोल्ट का है, ये 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 3 वोल्ट, इस तरीके का ऑक्टेट बनाया। अब मान लीजिए इसमें अगर 5 वोल्ट चेक करना होगा फिर तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, ये चला जाएगा ना आउट ऑफ रेंज। तो आपको करना क्या है इसमें, ठीक है, ये चीज हमारा पूरा चीज सेटिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको करना क्या है, अब यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन, सबसे पहले नंबर यहाँ पर नंबर एक जो मिलेगा आपको यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन क्या है, वोल्टेज डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन। तो इससे क्या होता है, वोल्टेज को हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, वोल्टेज इस वॉल्यूम के थोड़ा क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कम और ज्यादा कर सकते। अभी मान लीजिए कि 3.3 का ऑक्टेट बता रहा है, यानी इस वोल्टेज को हम कम करना चाहते हैं, क्योंकि 19 वोल्ट चेक करेंगे तो ये दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल सच है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस वोल्टेज में यहाँ पर क्या लिखा है, इधर देखिए V लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज का ये त्रिकोण बना होगा इस तरीके का। तो यहाँ पर एक एरो का निशान होगा इस तरीके का, तो यहाँ लिखा होगा V और यहाँ पर लिखा होगा मिनी वोल्ट MV। तो यानी अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वोल्ट बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो मिनी वोल्ट होगा। तो यहाँ पर कितने वोल्ट पे सेट है अभी, 1 वोल्ट पे, कितने वोल्ट पे सेट है, 1 वोल्ट, बाय डिफॉल्ट कितना लगा है 3 वोल्ट पे, तो 3 वोल्ट का रेंज ये हुआ। अब इस वोल्ट को अगर बढ़ाना है तो इस साइड घुमाएंगे तभी वोल्ट बढ़ेगा, जी हाँ। यानी इस पे हमने क्या कर दिया, इसको 5 वोल्ट का इसको बनाया हमने, ये आ गया, यानी 3.3 यहाँ है, 3 वोल्ट यहाँ है।